असल स्टूडेंट्स माई नेम इज मुबर श्रा मंजूर वेलकम टू माई क्लास वे वी आर गोइंग टू स्टडीज ऑफ ग्रेट 12। आपको जैसे का पता है कि हम 12 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और उसके जो ट्रू फॉल्स हैं क्वेश्चन नंबर वन एंड टू उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सो स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर डैश टाइप ऑफ लूप इन सी हमें ऑलरेडी पता है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूपेंसी फॉर लूप वाइल लूप एंड डू वाइल लूप द लूप कंडीशन कंट्रोल्स द लूप लूप की जो कंडीशन है वो क्या कंट्रोल करती है कंट्रोल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो लूप इज फॉर रेपिटेशन सो द लूप कंडीशन कंट्रोल्स द लूप रेपिटेशन क्योंकि उसमें होता है कंट्रोल वेरिएबल जो कि कंट्रोल कर रहा होता है कि वो रेपिटेशन या वो स्ट्रक्चर है वो कितनी दफ़ा रिपीट होगा सो दैट इज़ वाई कंट्रोल लूप जो है या लूप कंडीशन जो है दैट कंट्रोल्स द लूप रेपिटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश लूप फर्स्ट बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड दैन द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ट कौन सा ऐसा लूप है जिसमें सबसे पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही लूप है दैट इज़ डू वाइल लूप अगर आप स्ट्रक्चर याद करें या आप सेंटेक्स याद करें डू वायल लूप का तो दैट से कि उसमें पहले कुछ भी चेक नहीं होता यू डोंट हैव एनी थिंग इन द सन्टेक्स स्टार्ट होता है साथ ही स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और एंड पे कंडीशन आती है तो इसका मतलब है एंड पे कंडीशन सिर्फ एक ही लूप में चेक होती है दैट इज डू वाइल फॉर और वाइल लूप में कंडीशन सबसे पहले चेक होती हैं फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से दैट डैश मींस अ लूप विद इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप ये बात हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के केस में भी डिस्कस की थी कि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर विद इन एनी स्ट्रक्चर आ रहा है इसका मतलब है नेस्टिंग यानी कि Uh, one structure within another structure to have be nested loop means that loop within the body of another loop. Next question here, the dash statement performs an unconditional transfer of control to the named label. ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि अनकंडीशनल ट्रांसफर परफॉर्म करती है ऐसी हमने सिर्फ एक ही कंडीशन पढ़ी है है जो गो गो टू टू से बैक नहीं होता यानी कि कंट्रोल ट्रांसफर वापस नहीं आता दैट इज वाई इट इज अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द स्पेसिफाइड लेवल जहां पर भी हमने उसको ट्रांसफर किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेप ऑफ स्टेटमेंट प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश तो ये तो बहुत इजी है हम जो भी रेपिटेशन होती हैं उनको कहते हैं लूप यानी कि आइट्रेटिव या बार बार रिपीट होना देर आर डैश एक्सप्रेशन इन फॉर लूप स्टेटमेंट कितने एक्सप्रेशन होते हैं जब हम फॉर लूप की स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर कितने एक्सप्रेशन मौजूद होते हैं फॉर लूप के अंदर तीन एक्सप्रेशन मौजूद होते हैं यानी ब्रैकेट जो होती है जिसके अंदर कंडीशन लिखी होती है उसमें फर्स्ट चीज़ क्या होती है इनशलाइजेशन एक्सप्रेशन दूसरी क्या होती है टेस्ट कंडीशन और तीसरी होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो आप तीनों को मेंशन करते हैं तीनों कंपलसरी नहीं होती कुछ ऑप्शनल होती हैं लेकिन कंडीशन तब भी कंपलसरी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ वाइल लूप एक्जीक्यूट ओनली इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज डैश किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में बॉडी ऑफ लूप तभी काम करता है या एग्जीक्यूट होती है जब जो कंडीशन गिवन है वो ट्रू हो एक्सेप्ट फॉर डू वाइल्ड लूप क्योंकि उस केस में एक दफ़ा तो एग्जीक्यूशन होती ही है चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स बट इन केस ऑफ वाइल्ड लूप डेफिनेटली कंडीशन जो है वो पहले चेक होती है आपको सेंटेक्स भी याद होगा वाइल्ड लूप का उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है और एंड तक एग्जीक्यूशन तब होती है परफॉर्म जब वो कंडीशन ट्रू हो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीज द डैश ऑफ नेस्टेड लूप क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है जब हम नेस्टिंग को इंक्रीज़ करते जाते हैं जब हमने नेस्टेड का टॉपिक पढ़ा था तब भी मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है यानी आपसे हैंडल करना भी समटाइम्स मुश्किल हो जाता है यानी आपको याद नहीं रहता कि हमने कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए चूज़ किया था बट देन ऑल्सो फॉर द एग्जीक्यूशन या जो प्रोसेसर है उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे लेवल्स पर चेक करना पड़ता है दैट इज़ वाई कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा हम नेस्टिंग इंक्रीज करते जाते हैं लूप विद इन द लूप इंक्रीज करते जाते हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज मीनिंगफुल ओनली टू अ गो टू स्टेटमेंट ऐसी कौन सी चीज है ऐसा कौन सा कीवर्ड है फॉर एग्जांपल कि वो सिर्फ और सिर्फ गो टू स्टेटमेंट के साथ ही यूज होता है तो आप लोगों के फौरन ذہن में आना चाहिए कि लेबल क्योंकि अगर आप लेबल को देखें तो हमने सी लैंग्वेज में इट इज़ यूज इन अदर लैंग्वेजेज़ मल्टीपल टाइम्स इज वेल लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमने लेबल की डिस्कशन अब तक की है तो वो गो टू स्टेटमेंट के साथ ही की है कहीं और हमने लेबल्स यूज़ नहीं किए एक्सेप्ट फॉर स्विच स्टेटमेंट लेकिन उसमें भी लेबल्स थोड़ा सा डिफरेंट हैं देन जनरलाइज्ड लेबल सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स तो हम बुक की ही सेकेंड uh, क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच इज़ ट्रू फॉल्स फर्स्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इज दैट यू हैव टू सेलेक्ट द ट्रू और फॉल्स के देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल इज दिस स्टेटमेंट ट्रू आर फॉल्स दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली फॉल्स क्योंकि हमें पता है कि डू वाइल लूप में और वाइल लूप में क्लियर डिफरेंसेज होते हैं अदरवाइज हमें ज़रूरत ही क्या आती है दो अलग अलग तरह के लूप बनाने की पहला डिफरेंस जो मेनली होता है वो तो ये है कि जो कंडीशन चेक होती है अगर आप स्ट्रक्चर देखें दोनों का यानी वो वही डिफरेंट है वायल का और डू वाइल का सिंटेक्स डिफरेंट है वाइल में कंडीशन सबसे पहले चेक होती है देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है यानी अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है वो कंडीशन ट्रू है तभी जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट होंगे अदरवाइज नहीं होंगे केस ऑफ डू वाइल लूप जो कंडीशन है वो सबसे एंड पे चेक होती है यानी बॉडी ऑफ लूप के एंड पे कंडीशन चेक होती है जिसकी वजह से हम आते हैं अपने सेकंड डिफरेंस के ऊपर कि फर्स्ट यानी कि वाइल लूप के अंदर प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी लेकिन डू वाइल लूप ऑन दी अदर हैंड एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वन टाइम वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स यानी इस्पेक्टिव की कंडीशन ट्रू है यह फॉल्स है क्योंकि अगर आप सिक्वेंशल की बात करें तो सीक्वेंस में प्रोग्राम रन होता रहेगा जब तक कि उस वो हिट नहीं करेगा कंडीशन को तो पहली दफा आपका पूरा का पूरा जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद कंडीशन चेक होगी फिर हर दफा कंडीशन चेक होगी एट दी एंड डिफरेंस दैट इज ऑल्सो वेरी कंसिडरेबल व्हेन वी टॉक अबाउट वाइल और डू वाइल लूप्स तो इसका मतलब है दोनों सेम तो नहीं है सो दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द बॉडी ऑफ वाइल लूप मे और मे नॉट एग्जीक्यूट ये बात किसी भी लूप के केस में ट्रू है बट ऑब्वियसली यहाँ पे वाइल लूप लिखा हुआ है तो के केस में भी तो ये स्पेसिफिकली ट्रू है क्योंकि वो जो बॉडी ऑफ वाइल है ये किसी भी जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी आप अगर याद करें तो वाइल का सेंटेक्स हमने अभी देखा है वाइल के सेंटेक्स में पहली चीज़ जो होती है यानी द ओनली थिंग दैट वी हैव इन वाइल कंडीशन दैट इज कंडीशन स्टेटमेंट यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ उसी केस में जो प्रोग्राम का फ्लो है वो आगे बढ़ेगा अदरवाइज वो उसको स्किप करेगा बॉडी ऑफ लूप को और वो आगे बढ़ जाएगा सीक्वेंस में ठीक है सो दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इट मे और मे नॉट एग्जीक्यूट इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इट विल नॉट एग्जीक्यूट डेफिनेटली द डू आई लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इस बात को हम काफ़ी दफ़ा अभी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एटलीस्ट एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होगा लूप बिटवीन द स्टेटमेंट इज ट्रू वेरिएबल यानी कि वार प्लस प्लस एक वेरिएबल दिया हुआ है और उसके आगे प्लस प्लस का साइन है इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री फिक्स इंक्रीमेंट इज दिस ट्रू और फॉल्स इट इज फॉल्स क्योंकि प्री फिक्स प्री का मतलब ये है पहले तो इसका मतलब अगर ये प्री फिक्स होता तो इसमें प्लस प्लस का साइन पहले आता और फिर वेरिएबल आता यानी कि पहले इंक्रीमेंट होता है और फिर उसके बाद जो भी आपने उसे काम करवाने के लिए दिया है वो होता तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है बट दैट इज नॉट अ प्री फिक्स इंक्रीमेंट दैट इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ठीक है हमने दो तरह के जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिस्कस किए हुए हैं तो द स्टेटमेंट इज एक्चुअली अ फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द so कंडीशन Of an infinite loop never becomes zero. वो कह रहा है कि एक infinite loop है और उसकी जो condition है वो कभी भी true होती ही नहीं है. It never becomes true. क्या ये possible है? It is not even possible. अगर उस infinite loop की condition true ही नहीं है, तब तो वो execute ही नहीं होगा. तभी उस सिर्फ उस case में loop infinite होता है जब जो कंडीशन है वो कभी भी फॉल्स ना हो जब ऐसी सिचुएशन बन जाए आपकी प्रोग्रामिंग के केस में चाहे वो इंटेंशनल आपने किया है चाहे वो अनइंटेंशनल है कि कभी भी कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही इन दैट केस प्रोग्राम विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग इनफिनिट टाइम्स विदाउट इवन स्टॉपिंग तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है इस केस में शायद अगर यहाँ पे लिखा होता कि कंडीशन रन फॉर एन इन्फिनिट टाइम्स अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स तो फिर शायद ये ट्रू होता एक और क्वेश्चन है जो कह रहा है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज ऑप्शन अगर आप याद करें फॉर लूप का स्ट्रक्चर फॉर लूप का सिंटेक्स उसके अंदर स्टेटमेंट में हमने देखा कि तीन एक्सप्रेशन होते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को हमने देखा था कि हम लूप स्टार्ट होने से पहले भी वेरिएबल को इनिशलाइज़ कर सकते हैं जिस तरह से वाइल के केस में होता है कि वाइल में तो फॉर श्योर sure हम जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको लूप स्टार्ट होने से पहले या लूप का सेंटेक्स स्टार्ट होने से पहले इनिशलाइज़ करते हैं सेम चीज़ आप फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं और जो इनिशलाइजेशन uh, एक्सप्रेशन का पोर्शन होता है वो आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं विथ सेमी कॉलन एट दी एंड तो ये ऑप्शनल है ये कंपलसरी नहीं है ऑन दी अदर हैंड कंडीशन कंपलसरी है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आप विद इन द बॉडी ऑफ लूप कर सकते हैं जैसे वाइल्ड लूप में करते हैं सो इट विल बी एन ऑल्टरनेटिव टू वाइल्ड लूप ठीक है तो इस केस में ये नहीं होगा कि आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे बल्कि आप करेंगे लेकिन बॉडी स्कोप ऑफ द बॉडी के अंदर करेंगे तो वो भी ऑप्शनल हो जाएगा लेकिन कंडीशन किसी भी केस में ऑप्शनल नहीं है कंडीशन जो है वो कंपलसरी चीज़ है बाकी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज एक्चुअली ऑप्शनल सो दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है फॉर लूप की फॉर आई इज इक्वल टू वन आई इज लेस देन इक्वल टू टेन एंड आई प्लस प्लस इज एन इनफिनिट लूप इज इट एन इनफिनिट लूप इट इज नॉट क्योंकि अगर आप देखें तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रही है वन से और इसने कहाँ तक इंक्रीमेंट होना है क्योंकि एट दी एंड जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट है विच मीन्स कि इसने वन से टू पे इंक्रीमेंट होना है टू से थ्री पे थ्री से फोर पे कब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक के सेंटर वाला पोर्शन देखें दैट इज कंडीशन इट सेज सेजटिल आई इज लेस दैन इक्वल टू टेन इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अलेवन पे विच मीनस लूप टर्मिनेट हो जाएगा जैसे ही इंक्रीमेंट होते होते जो वैल्यू है वो आई की अलेवन होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा इसका मतलब है कि ये इंफिनेट लूप नहीं हो सकता इट इज अ फाइनाइट लूप नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप इज अ डिसीजन मेकिंग कॉन्स्ट्रक्ट इट इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग कॉन्स्ट्रक्ट इट इज अ रेपिटेटिव कॉन्स्ट्रक्ट तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन के अ वाई लूप कैन नॉट बी यूज इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आप कोई और तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर बिल्कुल यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट सो विच मीन्स कि जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है इसकी कोई आ, ऐसी लॉजिक जो है वो नहीं बन रही इस बात की कि हम एक बॉडी ऑफ लूप के अंदर दूसरा बॉडी ऑफ लूप यूज नहीं कर सकते बल्कि हमने बहुत सारी examples में ऐसा किया भी है इन टाइप कास्टिंग अ वेरिएबल ऑफ वन टाइप बिहेव्स एज द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप टेम्परेली विच इज ट्रू क्योंकि टाइप कास्टिंग का मतलब ही ये होता है कि आप टेम्परेली उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है उसको चेंज कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो uh, जो वैल्यू है वो मेरे पास स्ट्रिंग में आ रही थी आई एम कन्वर्टिंग इट इंटू एन इंटीज वैल्यू फॉर एग्जाम्पल कि मैंने स्ट्रिंग के तौर पर एक वेरिएबल लिया और उसमें टेन वैल्यू uh, रख दी क्योंकि स्ट्रिंग में तो कुछ भी आ सकता है सो ना आई वॉन्ट टू एड इट टू अनादर नंबर तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको उस स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐड तो नहीं करवा सकती दूसरे नंबर में इट विल गिव मी एन एरर तो मैं क्या करूंगी उसको टाइप कास्ट कर लूँ उसका ता, उसकी टाइप चेंज कर लूँ इन टू एन इंटीजर एंड देन आई एड एन अदर नंबर उससे ये होगा कि मेरे पास सिंटेक्स का कोई एरर नहीं आएगा लॉजिकल एरर भी नहीं आएगा सो जिस द स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली ट्रू अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर फाइव उस क्वेश्चन uh, में आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है और आपने उस प्रोग्राम की आउटपुट दिखानी है सो लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड एंड सी कि हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ड्राई रन करके आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा हमने हर आंसर्स की डिटेल्स डिस्कस की हैं सो आई होप उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई आंसर इन पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है और उसकी रीजंस क्या हैं सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़